हेलो डियर स्टूडेंट, एच बी ऑनलाइन का स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का कक्षा दसवीं का विज्ञान साइंस सेट वन का पार्ट टू वीडियो करने जा रहे हैं। पार्ट टू है, इसके पहले मैंने पार्ट वन जो है अपलोड कर चुका है। अभी जो मार्च में परीक्षा होगा उसमें ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आएगा दोस्तों, तो आपको पूरा पढ़ लेना है। बोर्ड सिलिक पेपर है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में आए थे दोस्तों। ये 15 है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में चार अंतर लिखिए। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में निम्नलिखित अंतर है। पहला है, यह आकृति में बड़ी और आकार में आयताकार होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका यह अपेक्षाकृत छोटी होती है। इसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में रिक्तिकाएँ बड़ी होती है, इसमें छोटी होती है। अथवा इसका अथवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए। संवेद ग्राही, स्नेप्स, हार्मोन, तंत्रिका कोशिका। तो पहला है संवेद ग्राही। संवेद ग्राही वे होते हैं जो उद्दीपन ग्रहण करते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, ठीक। स्नेप्स एक्सान के बल्ब अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्रिटो के समीप स्थित होते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच की संधि को अंतर्ग्रथन कहते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित एक रसायन है, जो रक्त द्वारा शरीर में अन्यत्र स्थित लक्ष्य अंग तक ले जाया जा सकता है। तंत्रिका कोशिका, यह तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। तंत्रिका कोशिका तीन प्रकार की होती है, संवेदी, प्रेरक एवं सहायक। प्रश्न 16 और 17 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, कैसे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट होता है। ये कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O और या कैल्शियम हाफ H2O। यह जिप्सम कैल्शियम सल्फेट को गर्म करके बनाया जाता है। तो जब इसको हम गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो कैल्शियम ये जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है और जल का आधा भाग जो है वो बाहर निकल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण निम्नलिखित है, इससे क्या क्या बनाया जाता है? खिलौने, मूर्ति बनाने के लिए, टूटे हड्डियों को जोड़ने के लिए। आप लोग डॉक्टर के पास जब हड्डी कहीं टूट जाती है तो जाते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है, ठीक, प्लास्टर किया जाता है। दीवारों की सतह चिकना बनाने में, पुट्टी करने में, चौक बनाने में, ठीक। मेंडलिप की आवर्त सारणी के कोई 5 विशेषताएँ लिखिए। तो मेंडलिप की आवर्त सारणी के निम्नलिखित विशेषता है। पहला है, मेंडलिप के मूल आवर्त सारणी को 12 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। दूसरा, श्रेणी को 7 क्षैतिज स्तंभ तथा 8 ऊर्ध्वाधर पंक्ति में रखा गया है। एक ही समूह में उपस्थित तत्वों की संयोजकता समान होती है। चौथा, इस सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए गए जो अज्ञात तत्वों को प्रकट करते हैं। पांचवा है, समान गुण वाले तत्वों के परमाणु भार लगभग समान होते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिक के क्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए। CH3 ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, CH3CH2OH, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह की पहचान करना है और ये इसका IUPAC नामकरण करना है। तो नीचे आंसर है, देखिए, पहला है हाइड्रोक्सिल, ठीक। दूसरा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तीसरा है क्लोरो। ब में है इथेनॉल और मिथेनॉल। आप जल के संरक्षण से आप क्या समझते हैं? आप जल संरक्षण से क्या समझते हैं, समझाइए। तो लगातार बढ़ती जनसंख्या और उद्योग धंधों के कारण कृषि के विस्तार फलस्वरूप जल की मांग बढ़ गई है और जल प्रदूषण, जल को संरक्षित करना आवश्यक हो गया, क्योंकि लोग जो है पानी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, नहाने धोने में, खाने पीने में से लेकर फैक्ट्रियों तक। जल आपूर्ति में सहायक होता है। जल का संरक्षण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला है, संरक्षित जल से बहुत से आवश्यक कार्य किए जा सकते हैं। दूसरा है, जल संरक्षण से भूमिगत जल स्तर बढ़ता है। संरक्षित जल की आपूर्ति आवश्यक स्थानों से की जा सकती है। वर्षा जल संरक्षण से स्थानीय बाढ़ की स्थिति कम हो जाती है।
प्रश्न 18 है, ऊर्जा संकट से आप क्या समझते हैं? तो ऊर्जा संकट का अर्थ होता है वर्तमान समय में पेट्रोलियम पदार्थ है, कोयला पदार्थ है, ये सब समाप्त होने की संभावना बढ़ते जा रही है। कुछ 100 या 50 सालों में ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त निःशुल्क संसाधन है जिसे हम समाप्त करने जा रहे हैं, यानी कि हमारे द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो यही जो है ऊर्जा संकट है। अब ऊर्जा संकट से के पीछे निम्नलिखित कारण हैं। हमारी ऊर्जा के नवीनीकरण सीमित स्रोत जैसे कि कोयला और तेल के भंडार पर आत्मनिर्भरता, ऊर्जा की मांग व आपूर्ति के बीच का अंतर बढ़ना, दूसरे देशों की अपेक्षा ऊर्जा और ईंधन के लगातार बढ़ते दाम, ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक नवीनीकरण स्रोत जैसे कि सौर पवन ऊर्जा के उपयोग में अनिच्छता, ऊर्जा के उपलब्ध स्रोतों का अधिक उपयोग और अपव्यय। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। परावर्तन से आप क्या समझते हैं? और दूसरा है विद्युत से होने वाली आपदाओं के 3 कारण लिखिए। तो परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण चमकदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम दूसरी दिशा में लौट जाती है, घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। इसका चित्र आप लोग को बना लेना है। ठीक है, चित्र बनाओगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। विद्युत से होने वाली आपदाएं, तो धारा का रिसाव, धारा के निरंतर प्रवाह से तारों के ऊपर लगा चालक जल जाता है, तब यह खुला तार के संपर्क में आता है तो धारा उस स्थान में फैल जाती है। शॉर्ट सर्किट, जब फेस और न्यूट्रल तार आपस में आते हैं तो चिंगारी निकलती है और आग का रूप ले सकती है। ओवरलोडिंग, जब किसी परिपथ में एक साथ उपकरण की संख्या बढ़ा दी जाती है तो धारा का मन परिपथ के नियत मान से अधिक हो जाता है। इस अवस्था में तार बर्दाश्त नहीं कर पाता और ओवरलोडिंग होता है। ठीक है, जिसे हम लोग अति भारण यानी ज़्यादा मात्रा में जब विद्युत प्रवाहित होता है तब उसको ओवरलोडिंग कहते हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, तो नीचे चित्र दिया गया है, देख लीजिए। यह है मानव का उत्सर्जन तंत्र का चित्र। ऐसा आपको कोई भी पुस्तक कॉपी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग जो है इसको घर में बनाने का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ताकि परीक्षा में आए तो आप आसानी से बना सके। दूसरा प्रश्न है आपका, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए, इसके 3 स्तरों का नाम लिखिए और संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो ये है आपका आंसर। जैव विविधता पृथ्वी पर वास करने वाले विविध प्रकार के जीवों को दिया गया एक शब्द है, अर्थात जीवन में पाए जाने वाले आप विभिन्न नेता जैव विविधता कहलाते हैं। जैव विविधता के स्तर, पृथ्वी में सभी प्रकार के पाए जाने वाले जीवित प्राणी जैसे विविधता से संबंध रखते हैं। जैव विविधता 3 प्रकार के होते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद है डार्विन के 5 जगत का नाम लेकर प्रत्येक जगत की एक ऐसी विशेषता को बताइए जो अन्य से भिन्न हो। तो पहला है प्लांटी, यूकेरियोट बहुकोशिकी स्वपोषी, मोनेरा एक कोशिका वाले जीव, कवक यूकेरियोट, प्रोटिस्टा एक कोशिका वाले जीव, एनिमेलिया अंतु, इस प्रकार आपका साइंस का इस कक्षा 10वीं का समाप्त हो जाता है। अब हम जो है नया वीडियो फिर से लेकर आएंगे इंग्लिश का, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, सारे चीज़ों का।